भ्रष्टाचार के बारे में तो बोले, वहां पर तो कर्नाटक में 40% थी और यहां कितना परसेंट है उनको ही मालूम। कितना? देखो हम तो 40% को हटा दिए, आप कमलनाथ जी आप 50% वालों को धक्का देना है, हटाना है। और सभी लोग आप बोलेंगे भाई वो कमलनाथ जी को ही बोले, खड़गे साहब हमारे को नहीं बोले बोलेंगे। तो आपको ही बोल रहा हूं, आपकी शक्ति उनके पीछे रहना चाहिए या साथ में रहना चाहिए। मैं एक, हम तो किसी के खिलाफ किसी को बदला लेने का नहीं सोचते, हम हमेशा सबको अच्छा करते हुए आए हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब एक बात कहे थे, बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की जरूरत है। ये ऐसा हमको किसी से हम बदलाव नहीं, उनको हम कोई द्वेष दृष्टि से नहीं देखेंगे, लेकिन वो छोड़ रहे नहीं हमारा पीछे। द्वेष के साथ हमारे लोगों को सताना, हमारे लोगों को बर्बाद करना, उनको जेलों में भेजना, ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन वो खुद ब खुद आप उनको सिखाएंगे। और जब नवंबर में हमारी सरकार आएगी तब कुछ फिर उनको भी ये मुश्किल होगा, अरे हमने नो तो इतने सताया हमारा क्या होगा बोल के वो लोग शायद याद छोड़कर दिल्ली गिल्ली या बम्बई जाके बैठेंगे, क्योंकि उनको भी डर होता। लेकिन हम डराने वाले नहीं और डरने वाले भी नहीं।